विभ्रांतस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभ्यो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनवंतु जगते गोपेश गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदत्तये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतये नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम आवाज आ रही सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नित्य विला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल अनंत बड़ी साष्टांग गर्भवत हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमन महाप्रभु जब गया से वापस आए कैसे छात्रों को केवल कृष्ण कृष्ण पर सब कुछ व्याख्या करके बोल रहे थे एवं गीता भागवत पुराण से श्लोकों को उद्धृत करते हुए ये बता रहे थे जितने वेद रामायण पुराण हैं उनका आदि बीज एवं अंत में सर्वत्र भगवान का नाम कीर्तन को ही व्याख्या की है। जिस शास्त्र में भगवान की भक्ति के बारे में कुछ है ही नहीं स्वयं ब्रह्मा बोलने पर भी को शास्त्र में नहीं सुननी चाहिए। जब बच्चों ने जाकर के गुरु जी को शिकायत किया महाप्रभु चैलेंज की है कोई हो तो आकर के मेरे सामने मेरे साथ में प्रतिद्वंदी रूप में आकर के मेरे सामने स्थापन करे कैसे कोई शास्त्र कृष्ण को छोड़ करके और कोई चीज व्याख्या करता है ये चीज को मेरे सामने आकर व्याख्या कर महाप्रभु चैलेंज देते। इतने में महाप्रभु का एक भक्त था जिसका नाम था श्री रत्न गर्भ आचार्य। इन्होंने एक श्लोक को उन्होंने पढ़ा है। कौन सा श्लोक है? बोले श्यामम हिरण्य परिधि वनमालवरहा धातो प्रवाल नटवे समनोव्रतांसे विन्यस्त हस्तमितरेण धुनाब्जम अब्जम कर्णोत फलालक कपलो मुखाब्ज हासम। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे ये श्लोक को द्विजो पत्नियों ने हैं जिस समय द्विजो पत्नियों को पता चला कृष्ण पास में आए हैं बड़े दिन से पूरे
तरस रहे थे कब कृष्ण बलराम का दर्शन हो, लेकिन जब सुना ये पास में आए हैं, इतने में जैसे नदी जैसे समुद्र का तरफ में भागती है, सबके सब जो बनाया था यज्ञ के लिए वो सबके सब सामग्रियों को लेकर के उनने कृष्ण को खिलाने के लिए दौड़ पड़े। पति बच्चों ने मना करने पर भी उन्होंने सुना नहीं। पत्नियों ने पतियों ने क्या बताया, बोले खबरदार फिर घर में घुसने नहीं देंगे। बोले तुम्हारी घर में ही नहीं है, हम तो कृष्ण के पास में ही हम रहेंगे। हैं सचमुच से जब दीजो पत्नियों ने वापस आए ना, दीजो पत्नियों ने जब वापस आए, ये ब्राह्मण लोग अपना जीवन को धिकार दे रहे थे, तुम्हारे जीवन को धिकार दे रहे थे। बोले हम जो त्रिवेदी चतुर्वेदी हैं, हम लोग जो इतने वेद उपनिषद पढ़ा है, कहते पढ़ना हम लोग का बेकार है, हैं कहाँ ये स्त्रियां हर समय अपवित्र रहती हैं, इनकी जनेऊ संस्कार नहीं और ये वेद पढ़ नहीं सकते, अधिकार नहीं। लेकिन वेदस्य सर्वम् अहमेव वेद्य, कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, कहते वेद का प्रतिपाद्य विषय कौन है, बोले भगवान कृष्ण है। कहते जो वेद हम पढ़ रहे हैं उसका प्रतिपाद्य विषय जो भगवान है, वो स्वयं आकर के हमें मांग रहे हैं, लेकिन हमने दिया नहीं। और हमारे पत्नियां क्या जाकर क्या की, उनको दर्शन करके और उनको खिला पिला करके हैं उनको संतुष्ट की। जब कृष्ण बोले घर में वापस चले जाओ, बोले घर में हम नहीं जाएंगे, हम बोल करके आए, हमारा बेटे और पति लोग बाधा दे रहे थे, बोले तुम्हारी घर ही हम नहीं आएंगे, इसलिए हम और वापस नहीं जाएंगे। कृष्ण ने कहा नहीं, तुम लोग अभी जाओ, जब वापस जाओगे ना देखना तुम लोगों को पहले जितने आदर करते थे उससे अभी तुम्हें ज्यादा आदर करेंगे, तुम्हें ज्यादा आदर करेंगे, कोई चिंता मत करो। क्यों, जहां पर कृपा हरि की हुई तहां पर कृपा करे सब कोई, जिसको पर भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। बोले तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्ट तत् प्रणीते प्रणीतम जगत, जिसको पर भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं उसको ऊपर में विश्व ब्रह्मांड अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए तुम लोग वापस जाओ, पहले से ज्यादा आदर करेंगे। सचमुच से जब वो वापस आए ना, पति लोग तो अपना पत्नियों को स्वागत किया है, हैं पत्नियों को उन्होंने स्वागत किया, और कृष्ण जब इनके पास में आए थे ना, कृष्ण भी उनको स्वागत किया, क्या बोले, बोले स्वागत में महाभागा। इसलिए कहते कृष्ण कभी जो स्वागत शब्द केवल दो जगह पर उन्होंने प्रयोग किया है। बोले कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया, बोले एक तो ब्रज गोपियों जब घर बार छोड़ करके आए तब तो कृष्ण ने बोले स्वागत में महाभागा, और जब ये यज्ञ पत्नियों ने सारी बाधा विपत्तियों को तोड़ करके जब ये लोग कृष्ण को खिलाने के लिए आए ना, कृष्ण को खिलाने के लिए आए, यहाँ पर भी कृष्ण कहते स्वागत में महाभागा, कहते हम मैं तुमको स्वागत करता हूँ, इसलिए जगत में जितने भाग्यवान है सबसे ज्यादा भाग्यवान तुम हो। कृष्ण क्या सिखा देते हैं, आप भक्ति करने के लिए जाओ, भगवान की तरफ में जाओ, बेटा भले शराब पीता है, जुआ खेलता है, हैं उल्टा पुल्टा जितना काम करता है, गंदा काम करते हैं, लेकिन कोई कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन अगर थोड़ी सी कोई भजन करना शुरू कर देना, तिलक कंठी माला लगाना, बोले ये कोई उम्र तेरा भजन करने का भी है, अभी से ही सब क्या चिता चैतन्य सब क्या लगा दिया, अभी से ये क्या तिलक कंठी माला अभी से कब लगाना क्या शुरू कर दिया है, अभी से क्या लगाना शुरू कर दिया, ये कोई उम्र है भजन करने का, अरे बुढ़ापा में भजन करते हैं, अभी तुमके सब तिलक कंठी माला सब क्या धारण कर लिया है, लेकिन गंदा काम के लिए कोई मना नहीं करते। लेकिन जिन लोगों ने ये सारी बाधा विपत्तियों को तोड़ करके भगवान की भक्ति की तरफ में जो आते हैं ना, भगवान क्या कहते हैं, स्वागत में महाभागा भगवान कहते हैं, भगवान उनको स्वागत करते हैं, भगवान ठाकुर जी उनको स्वागत करते हैं। इसलिए जो लोग भक्ति करने वाले, इसलिए कोई चिंता मत करो, दुनिया तो बाधा देगा ही, दुनिया तो बाधा है, इसलिए भगवान की भक्ति में क्या होता है, कहते ना सत्यम सत्यनेन विघ्नानि,
अगर कोई सच बोलने के लिए आओ उसमें 100 विघ्न है, हैं? और सत्यम सपने न विघ्न सहस्र न तथा तपो, अगर कोई तपस्या करने के लिए जाता है उसमें 1000 बाधाएं, कहते विघ्न अजुते न गोविंद। अगर कोई गोविंद भजन करने के लिए जाए कहते प्रति पद पद में बाधाएं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, सारे बाधाओं को तोड़ फोड़ करके भक्ति करना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी बाधा विपत्ति आ गई अगर उसमें ही हमने भक्ति छोड़ दिया, बोले हाँ ठीक है, जब सब नाराज हो रहे हैं पति पुत्र बेटा सबके सब भक्ति करने पर नाराज होते हैं तो छोड़ दो, भक्ति किया होगा, हैं? भक्ति छोड़ दो, इनका जैसे बने जा मतलब हो गया तुम्हारी तुम्हारी काम बन गया, इसलिए नहीं हैं? ये जितने बाधा विपत्ति कुम्हार क्या करता है, एक लोहे को गर्म करके पानी में देता है, पीटता है, फिर गर्म करता है, फिर पानी में, फिर पीटेगा, पीट 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 कर क्या करता है, ऐसे लोहा बनाता है ना ताकत, लोहे को काट देता है। इसलिए भक्ति में पीछे नहीं हटनी चाहिए, धीरे 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 आगे बढ़नी चाहिए। इसलिए जब आगे बढ़ करके जब भगवान को तब जाओगे ना, देखो इसलिए विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर बढ़िया बात, इस बात को याद करो, ये बात को ध्यान से सुनो, ये विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर की बात कह रहे हैं, बोले जब एक जीव ये सारे बाधा विपत्तियों को तोड़ करके जब ये भगवान को पास में जाते हैं ना, भगवान उनको एक एक बात को ठाकुर जी उसको याद दिलाते हैं, बोले देख बेटा तुम ये मत समझो मैं कुछ देख नहीं रहा था, मैं सारे चीज को तेरे पीछे खड़े पर देख रहा था, सारे चीज को देख, एक एक चीज को देख रहा था। अब भक्ति करने के लिए आओ, पिता माता भाई बंधु सबके सब तुम्हारे विरुद्ध बन जाते, सबके सब विरोध बन जाते हैं, कहते गांव के कुत्ते तक भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है, ये कुत्ते भी उसका पीछे, अब गांव में जाओ साधु को देखते ही कुत्ता भी वो करना शुरू कर देता है, हैं? इसलिए कुत्ता तक भी नहीं छोड़ता है, हैं? फिर जो भक्ति करते हैं मंदिर में आने को बाद में भी जो भक्ति करते हैं, हमारी भक्ति जगत में क्या भाई चाय भी नहीं पीते, प्याज लहसुन तो कभी नहीं खाते, चाय भी नहीं पीते हैं और प्याज लहसुन तो कभी नहीं खाते, अगर कहीं शादी विवाह में गए वहां पर तो लोग चकाचक खा रहे दही भले, हैं? वहां पर चकाचक हैं मटर पनीर शाही पनीर राजमा चावल चकाचक बढ़िया खा रहे, लेकिन भक्त क्या करता है अपना मन को मार देता है, अपना मन को मार करके बोले नहीं प्याज लहसुन नहीं खाना, प्याज लहसुन नहीं खाना, वो क्या करता है जिसमें प्याज लहसुन है ही नहीं वो उसी को ही ले लेता है, ले करके दही वाला खा लिया, थोड़ी सी वही चाट मसाला थोड़ी कहीं खा लिया, बस उससे अपना पेट भर लिया और लोग को देख रहे हैं सामने क्या खा रहे, और दारू पी रहे हैं, मांस मछली खा रहे हैं, प्याज लहसुन खा रहे हैं, लेकिन भक्त मन को मार देता है। कोई चाय पी रहे हैं बैठ करके, भक्त क्या करते हैं चाय भी नहीं पीते हैं, और कोई चाय नहीं पीते कोई नाराज हो जाते, भाई हमारे घर में चाय तक नहीं पिया, लेकिन भक्त क्या करते हैं अपना मन को मार करके भगवान की प्रसन्नता करने के लिए चाय तक भी नहीं पीते हैं। कौन याद कराते हैं, भगवान और साधक को एक एक बात याद कराते हैं, बोले ये मत समझो मैं कुछ देख नहीं रहा था, सारे चीज को एक एक करके तुम्हारे पीछे खड़े होकर देख रहा था, तो मेरे प्रीति के लिए मेरे सुख के लिए तुमने कितने त्याग दिया, इसलिए आज तू क्या किया तो आज मेरे पास में आया, इसलिए मैंने हर चीज को तुम्हारे पीछे खड़े कर देगा, ठीक है ना। इसलिए क्या करनी चाहिए, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज, इसलिए कृष्ण गीता में क्या कहते हैं सारे धर्म को छोड़ करके केवल तुम मेरे शरण में आ जा, और अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मुक्षयिष्यामि, भगवान इतने बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं सारे पाप को से मुक्त कर दूंगा, मां सोचो कोई चिंता मत करो, इसलिए मन मना भव मत भक्त भव, माम जाजी माम नमस्कार, भक्त बनना तो मेरा ही भक्त बन, पूजा करना तो मेरे, चिंता करना तो मुझको, प्रणाम करना तो मुझको, फिर माम एससी, फिर क्या होगा तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। इसलिए भक्तों को ना एकदम दृढ़ पूर्वक भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भले सारा दुनिया नाराज हो जाए, सारा दुनिया
नाराज हो जाए, एक व्यक्ति को खुश कर दो। किसको खुश कर दो? केवल भगवान को खुश कर दो, ठीक है। इसलिए भगवान क्या कहते, स्वागतम में महाभागा, कहते मैं तुम सबको स्वागत करता हूँ। जगत में सबसे ज्यादा अगर कोई सौभाग्यवान हो, तुम लोग ही जगत में सबसे सौभाग्यवान हो। क्यों? मेरे लिए तुम लोगों ने सब कुछ परित्याग कर रखा है। लेकिन बाद में देखो, जो पति पुत्रों ने बाधा दे रहे थे, वही लोग ही लास्ट में धिकार देने लगते। हमारे जीवन धिकार है, कहा साक्षात भगवान आए हैं, जो भगवान को हाँ सुन रहे थे ना, क्या उस लोग क्या है सुन रहे थे, जम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुत दिपय स्तुनई वेद सांग क्रम उपनिषदि गायति जत सामगा, जिनकी चरण कमल को ब्रह्मा शंकर नारद बुद्ध हैं, जिनकी चरण कमल को चिंतन करते हैं, हैं, इसलिए जिनकी चरण कमल को देवताओं को पूजा करते हैं, ऐसे जो भगवान साक्षात आए उनको दर्शन नहीं कर पाए। और देखो ये स्त्रियां उनको दर्शन करके, देखो अभी सारा दुनिया में किसकी जय जयकार हो रहा है, यज्ञ पत्नियों की जय जयकार हो रहा है। उनकी नाम भागवत में स्वर्ण अक्षर में इनका नाम लिख गया, इनके नाम स्वर्ण अक्षर में लिख गया सारा दुनिया। हमारे जो भक्तिवेदांत बामन गोसाई महाराज है ना, सुने कि नहीं, इन्होंने अक्सर करके कहीं भी जाते थे इसको पाठ करते थे। इसलिए उनका टेप रिकॉर्ड सुनना, भक्तिवेदांत बामन गोसाई टेप रिकॉर्ड सुनना, प्राय करके उन्होंने यही कथा को सुनाते थे है? कैसे उनकी प्रेम है कृष्ण के लिए, उन्होंने कैसे त्याग किया कृष्ण के लिए, कैसे त्याग दिया महाराज महाराज का ये सबसे बड़ा प्यारा टपिक यही टपिक है महाराज। प्राय करके ये कथा को सुनाते, बड़े प्रसन्न होकर सुनाते महाराज है। इसलिए जब उन लोगों ने वहां पर गए और कृष्ण का रूप को दर्शन किया, कहते श्यामम किरण परिधीम बनमाल वरा, इसलिए भगवान बड़े सुंदर रूप है, श्याम रंग है। कल हम लोग श्रवण कर रहा था, श्याम का एक अर्थ होता है सुंदर रंग, भगवान सुंदर रंग भी भगवान है। और भक्त वत्सल को जो श्याम रंग है, वो भक्त वत्सलता का को ही स्थापन करते हैं। जैसे मैं सबको ऊपर बराबर रूप में बारिश देता है, भगवान भी सभी को ऊपर बराबर रूप में ठाकुर जी कृपा करते हैं। ठाकुर जी दया की सागर, भगवान दया की सागर, कृपा की समुद्र भगवान कृष्ण। बोले श्यामम हिरण्य परिधि, भगवान की जो वस्त्र है कौन सा वस्त्र, पीले रंग के। बोले क्यों? राधा रानी का प्रति उनकी विशेष प्रेम को प्रकट करते हैं हिरण्य परिधि। बोले बनमाल वारा, इसलिए गले में जो माला है बनवाला है, कभी गले से लेकर के चरण तक वो माला है, कभी पांच रंग की कभी सात रंग की। बोले पांच रंग सात रंग क्या है, हैं भगवान की पांच तरह का मुख्य रस है और सात तरह का उनका गौण रस है, हैं। इसलिए किसी शास्त्र में बताया कि जो रंग है ना, उसमें जो पांच तरह का जो रंग है वहां पर बताए, ये एक एक रंग कौन सा रस को लक्ष्य करता है, कौन सा रंग शांत रस को, वात्सल रस को और सख्य श्रृंगार, कौन सा रंग रस को लक्ष्य करता है, उसमें किसी कहीं पर वर्णन किया है। इसलिए भगवान गले में धारण किया, भगवान शिक्षा देते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं अपना भक्तों को अपना गले में ही उनको मैं धारण करता हूँ। और कहते श्यामम हिरण्य परिधि बनवाल वरहा, कहते सर पर क्या है, सर में उनकी मोर पंख है। इसलिए कहते मोर पंख क्यों धारण करते हैं, क्या क्या कारण, एक एक कारण बताओ। इसमें पांच छह कारण बताए कृष्ण मोर पंख क्यों धारण करते हैं, एक कारण बताओ। इसलिए कल बोलना, इसलिए कहते मोर पंख इसलिए धारण करते हैं, उसमें श्री राधा रानी का नाम लिखा हुआ है। कटोता महीना में लड़ाई हो रही थी ना, महाप्रभु जब परिक्रमा करते करते बहुला वन में गए, देखा तोता मैना दोनों टहनिया में बैठ करके है, एक अंगूर का टहनिया में और एक अनार के वृक्ष में बैठ करके दोनों में आपस में क्या कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं। इसलिए तोता कहता है हमारे श्याम सुंदर अपना सर पर मोर पंख धारण किया। मैना कहते तुमको पता है क्यों ये मोर पंख धारण किया है, बोले ताते हमारे राधा की नाम लिखा, कहते उसमें हमारी किशोर जी की उसमें नाम लिखा हुआ है, इसलिए श्याम सुंदर मरु पंख धारण करते हुए दुनिया में प्रचार करते हैं, जगत में राधा रानी का नाम सगत जगत में
सर्वश्रेष्ठ है, जिसको मैं सर पर धारण करता हूँ राधा रानी का नाम को, ये पहला कारण। दूसरा कारण क्या है, कदी मोर ब्रह्मचारी, इसलिए भगवान ब्रह्मचारियों को बड़े प्रेम करते हैं, ब्रह्मचारियों को भगवान अपना हृदय में धारण करते हैं, इसलिए भगवान अपना क्या किया कहते मयूर भगवान अपना सर में लगाया ठाकुर जी। तीसरा कारण क्या है कहते कभी श्री श्याम कभी श्री राधा रानी ने कभी उन्होंने मयूरणी बने थे, इसलिए जब हम कौरवन परिक्रमा करते हैं बरसाना में वहां पर एक मयूर कुटी है, हैं कौन कौन देखा मयूर कुटी, मयूर कुटी है, वो मयूर कुटी में कभी राधा रानी मयूरणी बनी थी, कृष्ण मयूर बन करके दोनों वहीं पर नृत्य किया था, इसलिए राधा रानी की स्मृति के लिए कृष्ण क्या करते हैं कहते ये मयूर पंख को धारण करते हैं, कहते कभी यही मयूर कभी उन्होंने राधा कृष्ण दोनों को उन्होंने कभी मिलन भी कराया था, हैं इसलिए उसी स्मृति के लिए कृष्ण मयूर पंख धारण करते हैं। कितना कारण हो गया, हैं कितना हो गया, तीन बार चार हो गया, इसलिए कितना, इसलिए पंचमा कारण विश्वनाथ चकु ठाकुर कहते हैं, विश्वनाथ चकु ठाकुर कहते हैं कहते मोर कब नृत्य करता है, कब नृत्य करता है मोर, जब आकाश में काला मेघ छा जाए और वहां आकाश में बिजली चमकने लग जाए, हैं रिमझिम बारिश होती है उसी समय में मोर अपना पंख खोल करके थिरक थिरक नृत्य करता है। एक दिन कृष्ण बंसुरी बजा रहे थे, कृष्ण का रंग कैसे मेघ जैसे है, श्याम रंग कृष्ण, और उनका पीताम्बर कैसे जैसे इसमें बिजली चमकती है, और मयूर जो कृष्ण बजा रहे थे ये बंसुरी बजा रहे थे वो कैसे जैसे गड़गड़ शब्द होता है ना ऐसे, बस कितने में मयूर ने तो पंख खोल करके तिरक तिरक करके नाचना शुरू कर दिया। जब कोई व्यक्ति नृत्य करता है ना खुश हो जाता है, हाँ देखना जब सुंदर कोई नृत्य करे हम क्या करते हैं 10-20 रुपया लेकर घुमा घुमा करके उसको नौछावर करते हैं, मयूर तो खुश हो गया क्यों कृष्ण ने बंसुरी बजाई इसलिए मैंने नृत्य की, इसलिए कृष्ण को कुछ देनी चाहिए, कहते मेरे पास में तो पंख सिवाय कुछ है ही नहीं, इसलिए उसने पंख को झाड़ दिया, उसमें जब एक पंख गिरा वो प्रेम का उपहार है। अब प्रेम से जब कोई चीज देता है ना हम क्या करते हैं सर पर लगाते हैं, हाँ प्रेम का कोई चीज देता है ना हम सर पर लगाते हैं, इसलिए कृष्ण ने क्या किया वो मर पंखों को लेकर तो उन्होंने अपना सर पर लगा दिया है। कहती है पंचमा कारण, मतलब एक समय कृष्ण रोड में जा रहे थे, देखा मेन रोड में एक मोर पंख पड़ा हुआ, पंख ने कहा कृष्ण तुम देख रहे हो मेरे दुर्गति को, मैंने जिसको पीछे लगा हुआ था ना देखो मेरे को उसे छोड़ दिया, मेन रोड में मैं पड़ा हुआ हूँ मेरे कोई पूछने वाले ही नहीं, जिसके पीछे लगा था उसने मेरे को त्याग दे दिया। कृष्ण ने बोले चिंता क्यों करते हो, दुनिया में जिसको कोई नहीं पूछते है ना उसका पूछने वाले मैं हूं ना, चिंता मत करो। इसलिए कृष्ण ने क्या क्या उठाया कहां पर लगाया अपना सर पर, मतलब है अगर जगत में किसको जो कोई पूछने वाला जिसको कोई है ही नहीं, अगर उसमें कोई पूछने वाला है ना हमारे श्री कृष्ण है, हैं श्री कृष्ण उनको पूछने वाले, इसलिए बोले हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत पते, इसलिए करुणा की सिंधु कृपा की समुद्र हमारे श्री कृष्ण कन्हैया, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, अरे कोई जय के रे बोल रहे जोर से बोलो, बोले श्री बांके बिहारी लाल की, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं बोले श्यामम हिरण्य परिधि बनमाल वारहा, बोले धातु प्रभाव नटवेश मनु प्रधान से, इसलिए तद भगवान को कभी है सखा लोग क्या करते हैं सुंदर सुंदर गौरी की आदि धातुओं से कृष्ण को बड़े सुंदर अलका बना देते हैं, हैं बड़े सुंदर श्रृंगार कर देते हैं, और वृंदावन के सुंदर सुंदर कोमल कोमल पत्तों को द्वारा कृष्ण और फूलों से कृष्ण को श्रृंगार करते हैं, यहाँ शिक्षा देते हैं जब तक मेरे को बैकुंठ में भी मेरी श्रृंगार होती है, द्वारका में भी मेरी श्रृंगार होती है, अयोध्या में भी मेरे को श्रृंगार करते हैं, लेकिन ब्रज में मेरे सखा लोग और मेरी सखियां जब मेरे को निकुंज में जब फूलों से और पत्ते से और गौर की आदि ये धातुओं से जब मेरे को श्रृंगार करते हैं ना, ये श्रृंगार सबसे मेरा सुंदर श्रृंगार है, इससे सुंदर श्रृंगार और दुनिया में कुछ है नहीं है, इसलिए फूल में सज रहे हैं शिवान के बिहारी, बड़ा सुंदर ब्रज में एक भजन है, फूल में सज रहे हैं शिवान के बिहारी, बड़ा सुंदर ब्रज में एक भजन है।
फूलों में सज रहे वृंदावन बिहारी। इसलिए बड़ा सुंदर भजन है, इसलिए वृंदावन में हमारे राधा वल्लभ भक्ति बिहारी मंदिर मंदिर में क्या होता है, बड़े सुंदर फूलों की सुंदर श्रृंगार होता है, अद्भुत ठाकुर जी की फूलों की चोटी, फूलों के मुकुट, फूलों की वस्त्र, पूरा फूलों की कलियों में है, और कलियों में इतने सुंदर करते हैं ना, इतना सुंदर कहते 10-15 आदमी लगते हैं, केवल एक बांके बिहारी इतना छोटे से केवल उनको घंटा लग जाती है 15-16 व्यक्तियों को केवल फूलों की कलियों से श्रृंगार करने, केवल कलियों से अद्भुत उनके श्रृंगार दुपटा बुटा जो बनाते हैं बड़े सुंदर। भैया अगर ये लोग ऐसे सब श्रृंगार कर सकते हैं, गोलोक वृंदावन में ललिता विशाखा रूप मंजरी रति मंजरी राधा रानी जब श्री किशोरी जी की श्याम सुंदर के श्रृंगार करते होंगे, समझो कितने सुंदर ठाकुर जी के श्रृंगार, कितने सुंदर वो श्रृंगार नहीं होगा। इसलिए कहते हैं भगवान की कहते नट बेस, इसलिए भगवान नट है। नट मतलब क्या है, जो नृत्य कला में सबसे बड़े हैं, सर्वश्रेष्ठ नृत्यकार। इसलिए कृष्ण जब राग रागिणी गाते है ना, वृक्ष से पुष्प वृक्ष से मधु की झरी बहने लग जाती है, गिरिराज गोवर्धन द्रवीभूत हो जाते हैं, जमुना उल्टी बहने लग जाती है। इसलिए भगवान कहते भगवान जगत में जितने सारे नाचने वाले में कृष्ण सर्वश्रेष्ठ नाचने वाले, उनसे बड़ा कोई जगत में नाचने वाले है नहीं। इसलिए श्री हाँ वहां पर मतलब क्या नट क्या कहते शंकर भी, शंकर भी है वो श्लोक है, शंकर भी जिनको पूजा करते हैं, शंकर भी जिनको वंदना करते हैं। बोले क्यों, बोले शंकर जी का पहला अभिमान था। बोले क्या अभिमान था, बोले जितने नाचने वालों में मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे जैसे दुनिया में कोई नहीं नाच सकते। क्यों, शंकर जी तांडव नृत्य करते हैं, शंकर जी का तांडव नृत्य है, मेरे जैसे कोई नृत्य नहीं कर सकते। लेकिन कृष्ण जब कालियों का सर को पर नृत्य किया है, बोले तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरि धारी, पम 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 पद पद गत पम 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 पन पौ पर बिंग 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 बिनत करत नाग बधु आली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरि धारी, सन 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 काजिक गन 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 गंधर्वगण, नम 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 नारद मुनि सब देत ताली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, बम बम बलिहारी बम बम बलिहारी। इसलिए यहाँ कह रहे हैं जितने शंकर जी ने बोले बाबा रे, पहले तो मैं सोच रहा था हैं सबसे सुंदर नाचने वाला मैं हूँ, लेकिन शंकर जी ने जब देखा, बोले कृष्ण क्या दिखाया, बड़े बड़े कलाकार देखे होंगे जो रसिकों पर नृत्य करते हुए हैं, गिलासिया को पर नृत्य करते हुए, तलवार को पर नृत्य करते हुए बड़े बड़े कलाकार देखे होंगे, लेकिन कभी देखे हैं सांप के सर को पर कोई नृत्य किया है। इसलिए शंकर जी कहते बम बम बलिहारी, बोले प्रभु आपकी बलिहारी हो, आपकी जयकार हो, बोले कृष्ण के नया लाल की। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कहते कृष्ण कौन है, कहते नट, और उनका जो बेस है बड़े सुंदर है, उनका बड़ा सुंदर भगवान की बेस है। इसलिए कहते बिन्नस्त हस्त मितरण दुनाप निमग्धम, इसलिए जब गए कृष्ण क्या कर रहे थे, अपना हस्तों को सखाओं के कंधे पर रखे हुए थे और हाथ में एक कमल फूल लिए हुए थे, ये कमल फूल को कृष्ण घुमा रहे थे और कान में कुंडल रूप में सुंदर कमल फूल शोभायमान हो रहे थे, और कृष्ण बड़ी मीठी मीठी श्याम सुंदर बड़े मीठी मीठी कृष्ण हंस रहे थे, हैं भगवान बड़े सुंदर हंस रहे थे। इसलिए जब महाप्रभु ने ये श्लोक को महाप्रभु सुना, बस उनको सुनते ही हैं, देखो हम लोग तो श्लोक सुनते हैं लेकिन हम क्या श्लोक सुनकर मूर्छित हो जाते हैं, लेकिन महाप्रभु राधा जी के भाव में विभावित है, कृष्ण कितने सुंदर है। इसलिए शिवास पंडित जब देवानंद पंडित ने सब जब श्लोक गाए, कौन सा श्लोक है, हैं बोले वराह पिडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रत बास कनक कपिसयम वैजयन्ति च माला रंध्राण वेणुरधर सुधया पुरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम
प्राविशस्तात गीत कीर्ति। जब श्री श्रीवास पंडित जी श्लोकों को सुना, देवानंद पंडित तब पढ़ रहे थे, लेकिन पढ़ते रहे थे, लेकिन महाप्रभु को क्रोधित हो गई, बोले मेरे भक्तों का प्रेम को देख के तुम समझ नहीं पाए। और नित्यानंद प्रभु जब यही श्लोक को सुने, नित्यानंद प्रभु तो हुंकार करके हैं, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि, नित्यानंद प्रभु तो नाचने लग गए प्रेम में। हाँ, फिर महाप्रभु को, महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु गोद में धारण किया। कहते यहाँ पर श्रीमद चैतन्य महाप्रभु इसको सुनते ही है उनके शरीर में स्वेद कंप अश्रु पुलक वैवर्ण, ये अष्ट सात्वी की प्रेम प्रकट होने लग गया है। और इसको देख करके जो रत्न आचार्य थे ना, है कहते श्री रत्न गर्भ आचार्य, बोले बाबारी क्या कृष्ण प्रेम, क्या महाप्रभु अंदर में दीप विकार है, है? इसलिए प्रभु आलिंगन प्रेम बंधन बाह्य दृष्टि की, इसलिए महाप्रभु जब धीरे 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 उनको आवेश धीरे 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 बाह्य दृष्टि आए हैं, इतने में महाप्रभु कह रहे हैं आज मैंने क्या चंचलता किया है कि महाप्रभु तो प्रेम में आवेश है, उनको पता नहीं है, महाप्रभु को पता नहीं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो तो पूरा डूबे हुए हैं। कहते आज मैंने क्या चंचलता किया है, है? महाप्रभु पूछे। फिर महाप्रभु ने गंगा स्नान किया, गंगा स्नान करके फिर उन्होंने महाप्रभु ने समस्त शास्त्र ग्रंथ को उन्होंने कृष्ण परग उन्होंने भक्ति व्याख्या किया है। इसलिए बोले बोले बोलो कृष्णा भज कृष्णा सुना कृष्ण नाम अहर निश कृष्ण चरण कर ध्यान। महाप्रभु पढ़ा रहे हैं, बोले क्या करो, बोले बोलो कृष्ण, अरे बोलना तो क्या करो, केवल कृष्ण ही बोलो और कोई बात बोलना नहीं। फिर और क्या करो, बोले भज कृष्ण, अगर किसको भक्ति करना तो किसको भक्ति करनी चाहिए, बोले कृष्ण को ही भक्ति करो, अगर किसका नाम लेनी चाहिए तो किसका नाम लो, बोले कृष्ण नाम लो और किसका नाम नहीं, केवल कृष्ण। इसलिए रूप गोस्वामी जब भक्ति का डिफिनेशन दिया है ना, कृष्ण अनुशीलन भक्ति रुतवा, इसलिए जो कृष्ण अनुशीलन करते हैं उत्तम भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति। इसलिए अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। बोले कृष्ण नाम क्यों लिया और किसका क्यों नाम ले लिया, बोले और जितने अवतार है वो कृष्ण के अंदर में सबके सब, जब हम कृष्ण नाम ले लेते हैं, है कृष्ण नाम ले लेते हैं उसमें सबका नाम आ जाता है, सबका नाम उसमें आ जाता है। इसलिए बोले सहस्र नाम नाम पुण्य नाम त्रिधा वित्वातु जत फलम एक वृत्वातु कृष्ण से नाम प्रचत। कहते विष्णु सहस्र नाम को जब हम तीन बार, विष्णु सहस्र नाम जब तीन बार बोलते हैं, तो जब 3000 विष्णु सहस्र नाम कोई ले है, अगर कोई एक बार कृष्ण नाम ले ले, एक कृष्ण नाम के समान 3000 विष्णु नाम और 3 बार राम का नाम है। इसलिए कृष्ण नाम सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन वहां पर क्या कह रहे हैं, बोले कृष्णानुशीलनम, केवल कृष्ण अनुशीलन है, कृष्णा कृष्णा मतलब श्रीमती राधा रानी है, केवल कृष्ण नहीं, कृष्ण को साथ में श्री राधा रानी की जो भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं सुनो कृष्ण नाम अहर निश कृष्ण चरण कर ध्यान, हर समय किसके चरण को ध्यान करनी चाहिए, केवल कृष्ण का चरण को ध्यान करो। कहते कृष्ण चरण क्यों ध्यान करे, बोले कृष्ण का चरण में 19 चिन्ह है, कितना चिन्ह है, 19 चिन्ह है। कहते उनके चरण में हम कहते हैं ना चरण कमल अमिया उचले, और भगवान के चरण में अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण द्वय, भगवान के चरण में अशोक अभय और अमृत भगवान की चरण में विद्यमान है, इसलिए भगवान के चरण में स्वस्ति चिन्ह है। स्वस्ति को अगर कोई स्मरण करे ना, जीवन में सारे अमंगल दूर हो जाएगा, मंगल मंगल आएगा। उनके चरण में कमल है, कमलों को याद करे जीवन में तुम्हारी खुशबू खुशबू आएगी है। उनके चरण में धान है, जब है उसका स्मरण करे माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होगी। उनके चरण में शंख है, शंख को कोई स्मरण कर तो सर्वत्र विजय प्राप्त होगा, सर्वत्र विजय। झंडा में है, झंडा का स्मरण कर तो सारा दुनिया में तुम्हारी जस फैलेगा। इसलिए कहते हैं श्री कृष्ण कर्ण चरण कर ध्यान। कहते भैया महाप्रभु जो यह कह रहे हैं, बोलो कृष्ण भज कृष्ण सुनो कृष्ण नाम,
और निशस कृष्ण चरण कर ध्यान, कहीं शास्त्र में क्या प्रमाण कहीं है क्या? ना महाप्रभु ऐसे ही बोलते हुए जा रहे, ना कोई प्रमाण। तो प्रभुपाद ने विभिन्न पुराण से उन्होंने श्लोक को उन्होंने उठापन करते हुए तो यहाँ पर कहते हैं, कहते श्री सुत सौनकादि संवाद है, श्री सुत गोस्वामी सौनकादि ऋषियों को कह रहे हैं, बोले तस्मात देखे न मनसा भगवान सात्वतापति श्रोतव्य कृति तपस्य धैय पूज्यस्य नित्यस्य। इसलिए सुत गोस्वामी सौनकादि ऋषियों को कहते हैं क्या करो, भगवान सात्वतापति भगवान कृष्ण है, तस्मात एक न मनसा, इसलिए एक मन होकर क्या करो, भगवान की चरणों को स्मरण करो। श्रोतव्य कृति तपस्य, सुनना तो भगवान की कथा सुना, कीर्तन करना तो उनकी कथा करो, ध्यान करना तो उनके ही करो, नित्य करो, हर समय उनके चरण को करो। बोले श्री सुख परीक्षित, श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोले, बोले क्या बोले, बोले तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कृति तपस्य स्मर्तव्य इच्छता अभय। कहते अगर जीवन में कोई अभय बना चाहते हैं उनको क्या करने चाहिए, बोले तस्मात भारत सर्वात्मा, भारत मतलब भारत वंश में जो श्री परीक्षित महाराज आए, बोले देखो जो सर्वात्मा जो भगवान जो ईश्वर हरि, इसलिए यहाँ कह रहे हैं भक्ति दो तरह का है। कितने तरह का भक्ति, क्या क्या, कहते एक राग भक्ति और एक वैधि भक्ति। यहाँ पर कह रहे हैं जो लोग वैधि भक्ति करते हैं उनको है, कहते उनको भगवान को ईश्वर मान करके उपजा करते हैं, लेकिन जो प्रेम भक्ति करने वाले है वैधि भक्ति राग भक्ति, उनको श्री हरि की भक्ति करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, बोले श्रोतव्य कृति तपस्य स्मर्तव्य इच्छता। उन्होंने तीन बात बताई, बोले भगवान की कथा सुना, भगवान का कीर्तन करो और भगवान का स्मरण करो, तीन काम करो। कितना करनी चाहिए, तीन। लेकिन तीनों काम में उन्होंने जो बीच में ना कीर्तन को रखा, किसको रखा बीच में, देखो ध्यान देकर सुनो, इन्होंने बीच में ये कीर्तन आके भक्ति को रखा। बोले बीच में क्यों रखा, कल मैं पूछूंगा बल्कि बोलना। इसलिए कहते इधर श्रवण, फिर बीच में कीर्तन, फिर बाद में स्मरण किया, स्मरण रखा। बोले कारण क्या, बोले कारण है जो कीर्तन है ना, जैसे बीच में ये है कीर्तन, ये बीच में कीर्तन होने के नाते कहते ये श्रवण को भी पुष्टि करता है और ये स्मरण को भी पुष्टि करता है, ये दोनों को मदद करता है, जो बीच में रहता है ये दोनों को मदद करता है। इसलिए कीर्तन मध्य भक्ति से क्या नव विद्या भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण देते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरअपराध नाम लैले पाए प्रेमधन। जितने भक्ति हुए 64 भक्ति, फिर 9 तरह का, फिर 5 तरह का, फिर 3 तरह का, लेकिन सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या, बोले कृष्ण। ये कीर्तन क्या करता है, सारे भक्ति को, कीर्तन करने से सारे भक्ति जाजन हो जाता है कीर्तन करने से है। इसलिए उनने कीर्तन के भक्ति को सर्वश्रेष्ठ भक्ति बताया। इसलिए सर्वसिद्धि महाप्रभु बोले कीर्तन करने से यह है सर्वसिद्धि है वे सवार। इसलिए हरिनाम करने से सर्व सिद्धि हो जाएगी, सर्व सिद्धि। और देखो जैसे कोई कथा हो रही है, कथा हो रही है, देखो कीर्तन भक्ति का कितना श्रेष्ठ, कई कथा हो रही है, आप देखना कथा में कोई 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 सो जाते कि नहीं सोते, कथा हो रही है उधर उधर, लेकिन वहां जब कीर्तन होता है ना जोर जोर से कीर्तन करो, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। अगर थोड़ी सी कोई नींद आ रही ना, कीर्तन करो नींद चली जाएगी, जैसे कथा सुन रहे हो, जैसे कथा तो सुन रहे हैं, कभी देखना कभी कभी मन और कहीं, मन और कहीं, लेकिन तुम कीर्तन करो, कीर्तन करते ही ना एकदम चंगा कर देता है कीर्तन करते ही, जैसे कथा के बीच में थोड़ी सी कीर्तन करना एकदम जग जाते हैं। इसलिए कीर्तन करने पर स्मरण तो कमाल है, जैसे थोड़ा बैठ कर गुरु मंत्र को थोड़ा स्मरण करो, बस बैठते ही ना
आधा घंटा चली, एक घंटा को बाद में देखा गुरु मंत्र ही नहीं हुआ, हाथ जहाँ के था बात तो सो गए है, सो जाते स्मरण। इसलिए स्मरणा के भक्ति है कभी कभी उसमें भी एकदम पूरा डूब जाते हैं कभी, लेकिन उस समय कीर्तन कर लो, कीर्तन कर लो, क्या हुआ है नींद है एकदम उस समय, नींद कहाँ उड़ जाती है, नींद चली जाती है। इसलिए जब बोला जो कीर्तना का जो भक्ति है ना, कभी ये तीनों को मदद तो करता है, जैसे कीर्तन करने से क्या होता है वही कान में जाएगा, श्रवण हो जाएगा, और जो बोलेंगे जो सुनेंगे वही स्मरण होता है। ये एक तो ये तीनों हो जाता है, और तीसरा काम क्या दूसरा होता है, कहते कीर्तन करने से एकदम हम जग जाते हैं, मन इधर उधर कहीं नहीं जाता। इसलिए बोले परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तन, इसलिए कीर्तन को सर्वश्रेष्ठ बताए। इसलिए यहाँ प्रभुपाद विभिन्न पुराण से विभिन्न श्लोकों को यहाँ उद्धृत करके कह रहे हैं, महाप्रभु जो कह रहे हैं बोल कृष्ण भज कृष्ण सुन कृष्ण नाम अहर्निश श्री कृष्ण कर चरण कर ध्यान, यदि भागवत में ये प्रमाण है, प्रभुपाद प्रमाण दे रहे, ये प्रमाण है, शास्त्र यही कह रहे हैं। अगर जीवन में अभय पाना चाहते हो, सुख पाना चाहते हो, क्या करो, भगवान कृष्ण के चरणों पर चिंतन करो, उनका नाम लो, उनकी भक्ति लो, इसी से ही जीवन में परम शांति परम आनंद और प्रेम की इसी को द्वारा प्राप्त होगा। बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की। देखो कि चैतन्य भागवत है ना, कितना सुंदर ग्रंथ है, है देखो कितना यहाँ पर प्रभुपाद का जो टीका है ना, टीका को साथ में चैतन्य भागवत पढ़ो, बड़ा आनंद है। जीवन में पहली बार में पढ़ा, सुना तो नोट किया है, लेकिन लेकिन कथा कभी हमने नहीं की, इसलिए कथा मैंने पहली बार ही ग्रंथों को मैंने कथा कर रहा हूँ, सुना तो पढ़ा भी लेकिन कथा कभी नहीं किया था, लेकिन इतने सारे बात उसके अंदर में विद्यमान। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की, बोले श्री भक्ति विनोद ठाकुर की, पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। माइक नंबर बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे बोलो बोलते प्रथम
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
समागत गौरव भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंद।